अगर पेपर में आ जाए मोशनल ई एम एफ निकालो BLV बाय यूजिंग लॉरेंट फोर्स। ये लॉरेंट फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स। तो आज जो पहला एक्सप्रेशन किया था ना फैराडे का, जो पूरा प्रूफ था इलेक्ट्रॉन वाला, वो तो बहुत बड़ा है। NCERT क्या कहती है? छोटा कर लो, शॉर्टकट ही मार देती है। देखो वो कहते हैं जब रॉड मूव करेगी कैसी कंडीशन आएगी, जब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले की कहानी बिल्कुल ही खा गई। वो कहती है छोड़ो उसे, इक्वेट करो। इक्वेट करके ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या किया था? E.dr, E इंटू लेंथ कर दो। तो जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। इसके आने की चांस कम है, फैराडेज लॉ के ऊपर आता है। सिंपल एक्सप्रेशन मोशनल EMF का आता है, पर मैंने करवा दिया कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। ठीक है यहाँ तक? तो ये वही रूल है, आप दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो।